हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीता और आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों में हेयर फॉल कैसे कंट्रोल करें। सर्दियों में ठंड और शुष्क हवा के कारण बालों का झड़ना बढ़ जाता है। बालों का झड़ना कम करने के लिए हम आज कुछ टिप्स जानेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए गाइस बात करते हैं। गर्म पानी आपके बालों पर कठोर हो सकता है जिसके कारण बालों में ड्राइनेस और टूटने की समस्या हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि अभी सर्दी का मौसम है, अब हम ठंडे पानी का उपयोग कैसे करेंगे? तो आप ज़्यादा गर्म पानी की बजाय गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप गीले बालों को सुखाते हैं तो आप उसको हल्के और मुलायम कपड़ों का इस्तेमाल करें। ज़्यादा टॉवल का या भारी वजनदार कपड़े का जो है इस्तेमाल नहीं करना है। इससे आपके बालों पर वजन आता है और आपके बाल जो है टूट सकते हैं। गीले बालों पर कंघी ना करें क्योंकि उससे भी बाल काफ़ी मात्रा में टूटते हैं। बालों को ज़्यादा जोर से रगड़कर ना पोछें, इससे बालों को काफ़ी नुकसान होता है। सर्दियों में हीट स्टाइलिंग टूल्स हमारे लिए अच्छे तो लगते हैं। हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर ये सभी सर्दियों के मौसम में अच्छे तो लगते हैं लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग आपके बालों को नुकसान पहुँचाता है और बाल टूटने का भी खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसे थोड़ा दूर ही रहिए। अपने बालों को धोने के लिए और उससे ऑयल निकालने के लिए हल्के हाइड्रेटिंग शैम्पू का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने बालों को हफ्ते में 2 से 3 बार ही शैम्पू करें, उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि ज़्यादा बाल धोने से उनमें रूखापन ड्राइनेस आ सकता है। सर्दियों में आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा गर्म करके आप अपने बालों को हल्के हाथों से अपने बालों के जड़ों में मालिश कर सकते हैं। तो गाइस जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं जैसे कोकोनट हो गया, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग ऑयल यूज़ करते हैं, तो उसको थोड़ा सा हल्का गुनगुना गर्म कर लीजिए सर्दी के मौसम में और ऐसे अपने स्कैल्प को जो है ऐसे हाथ में लेके ऐसे उसको जो है आप हल्के हाथों से मसाज करिए। उससे क्या होगा कि आपके बाल के जो जड़ों का जो स्कैल्प होता है वो ज़्यादा ड्राई नहीं होगा और उससे बाल जो है मजबूत होंगे और झड़ने की समस्या जो है वो कम होगी। हफ्ते में कम से कम एक बार अपने बालों को कंडीशनर करें। वैसे आप जब भी बाल धोते हैं तब शैम्पू के बाद कंडीशनर को लगाते हैं लेकिन आप हफ्ते में एक बार गहरी कंडीशनिंग कर सकते हैं। ये आपके बालों को नमी से भर देगा और बालों को जो है मजबूत बनाने में मदद भी कर देगा जिससे बाल टूटने की संभावना कम हो जाएगी। अपने बालों को बढ़ाने के लिए आप हफ्ते में कम से कम 3 बार गर्म तेल की अपने सिर पर जो है मालिश कर सकते हैं। आपके बाल झड़ने से बचाते हैं और नए बाल उगाने में भी इससे मदद होती है। तो ऑयलिंग जो है बहुत अभी लोग क्या करते हैं कि बालों को ऑयल नहीं करते हैं, तो ये डेली ऑयल तो नहीं करना है क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन जब भी आप हफ्ते में एक बार आपको जब भी टाइम मिलता है तो आप जो भी ऑयल होता है उसको थोड़ा गुनगुना करके अपने बालों के जड़ों पे जो है मालिश कर सकते। सर्दियों में शुष्क हवा के कारण दो मुहे बालों की समस्या अधिक होती है। नियमित ट्रिमिंग से दो मुहे बालों से छुटकारा पाने और टूटने से बचाने में मदद मिलती है। स्वस्थ और अच्छे बालों के लिए जिनके बालों में दो मुहे बाल आ जाते हैं वो अपने बालों को 8 से 8 वीक में ट्रिम करना चाहिए। सोते वक्त आप मुलायम और रेशमी तकिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उसका हम खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमारे बाल जो है हमारे बाल को हम संभाल के रखेंगे तभी तो हम खूबसूरत दिखेंगे, तो थोड़ा तो भी हमको ख्याल रखना चाहिए अपने बालों के लिए। तो गाइज बहुत अच्छा होता है कि हम जब सोते हैं तब हम अपना जो तकिया होता है वो बहुत मुलायम और रेशमी जैसा लेना चाहिए। उसे क्या होगा कि रेशम जो होता है आपके बालों पर कम घर्षण करता है और बाल टूटने से बचाता है। पोषण तत्वों से भरपूर आहार लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जैसे विटामिन्स प्रोटीन्स आयरन और आवश्यक फैटी एसिड जो होते हैं वो भरपूर हो। अपने बालों के लिए ये बहुत आवश्यक पोषण तत्व होते हैं। आप अपने डाइट में फल सब्जियां नट्स और लीन प्रोटीन जैसे खाद्य पदार्थ आपके आहार में आप शामिल कर सकते हैं। इससे भी आप जो आपके जो है बाल उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। गाइस सर्दी के मौसम में अपने बालों को टूटने से बचाने के लिए आप बालों की चोटी बन या पोनीटेल जैसे हेयर स्टाइल अपनाएं, ऐसे पूरे खुले नहीं रखने। सर्दी के मौसम में अपने बालों पर शुष्क हवा के प्रभाव को कम करने के लिए आप ह्यूमिडिफायर
का उपयोग कर सकते हैं। ये नमी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, न केवल आपकी त्वचा को लाभ पहुंचाता है बल्कि आपके बालों के लिए भी बहुत अधिक ड्राई होने से भी ये बचाता है। ठंड का मौसम आपकी त्वचा और बालों दोनों के लिए ड्राई करता है। जैसे में आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। हम खुद को हाइड्रेट रखने के लिए पानी जो है सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वो होती है पानी, क्योंकि पानी अब पर्याप्त मात्रा में हम पीते हैं, हमें जितना लगता है उतने क्वांटिटी में हम अगर पानी पीते हैं तो हम अपने बालों की ड्राइनेस, अपने स्किन की ड्राइनेस, ये दोनों को भी जो है हम हाइड्रेट रखने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो गाइज अच्छी मात्रा में पानी पीजिए और अच्छी तरह से खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं पानी की वजह से। ये आपके स्कैल्प और बालों को अंदर से बाहर तक नमी रखने में मदद करता है। देखिए ऊपर से कितना भी कुछ लगाए, जैसे कोई भी चीज़ हो ऊपर से, लेकिन अंदर से जो चीज़ आती है वो नेचुरल होती है और बहुत खूबसूरत होती है। तो आप इसका ध्यान रखिए, प्रोटीनयुक्त आहार लीजिए, पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बालों के, स्किन के, सभी स्वास्थ्य के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो गाइस कुछ चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए अपने बालों के हेल्थ के लिए, क्योंकि बाल अगर एक बार चले जाते हैं तो दोबारा कुछ भी करो अच्छे और ये जो नेचुरल बाल होते हैं वो नहीं आते हैं, क्योंकि बालों से ही हम सुंदर दिखते हैं और सुंदरता जो है हमारे बालों से ही आती है। तो गाइस इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ ऐसे वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।